आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। जापान के मौसम विभाग ने बेहद खतरनाक तूफान नानमा डॉल की चेतावनी दी है। ये तूफान तेजी से जापान की तरफ बढ़ रहा है। आज यानी 18 सितंबर को ये जापान के समुद्री तट से टकराया। इसकी वजह से क्यूशू के दक्षिणी कागोशिमा प्रांत में तेज बारिश हो रही है। 40 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने के आदेश दिए हैं। जापान की वेदर एजेंसी के मुताबिक इसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड बढ़ आ सकती है। इस दौरान तेज हवा और भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। काफी नुकसान हो सकता है। इस साल जापान में आने वाला ये 14वां तूफान है। शनिवार को ये जापान के एक रिमोट आइलैंड मिनामी देतो से टकराया। ये आइलैंड ओकिनावा द्वीप से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कागोशिमा एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि खतरे को देखते हुए करीब 25,000 घरों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। कई ट्रेनें फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तूफान को बहुत खतरनाक बताते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा कि तेज हवाओं से कई घर तबाह हो सकते हैं। करीब 510 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इस तूफान के आने की आहट से राहत और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जापान के मौसम विभाग के प्रमुख रायुता कुरोरा का कहना है कि तूफान की वजह से समुद्री में ऊंची लहरों के उठने और रिकॉर्ड बारिश की आशंका बनी हुई है। इसके बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।